नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया और ये धरना प्रदर्शन पूर्व सीएम कमलनाथ के घर के बाहर हुआ, जिसके बाद अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने कमलनाथ को घेरते हुए कहा कि धरना प्रदर्शन केवल कुछ मिनटों चला, कमलनाथ आए, कुछ मिनट का भाषण दिया और वो चले गए। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को और पूरी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि वो केवल धरना दे सकते हैं, उसके अलावा उनके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी गुरुवार को कांग्रेस के देशव्यापी धरने में मात्र 7 मिनट 12 सेकंड बैठे, इससे उनकी सक्रियता का पता चलता है। जब धरने का ये हाल है तो पार्टी का क्या होगा, इसे समझा जा सकता है। 7 मिनट 12 सेकंड कुल धरने पर रहे थे वो। लोगों ने नोट किया था बैठते कितनी देर है। वो कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, लीडर को गम बहुत है पर आराम के साथ। ये कमलनाथ जी का है, धरने पर 7 मिनट 12 सेकंड बैठे, देशव्यापी धरना था। जब उसकी धरने की ये स्थिति हुई है तो बाकी पार्टी की क्या स्थिति होगी, आप अंदाज करें। वो ये भी कह रहे थे कि G23 के जो लोग हैं उनकी शर्तें मान ली गई हैं और अगले 3 महीने में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे कहते रहते हैं वो अपने आप को बड़ा बताने के लिए, बड़े हैं भी वो, उनकी पार्टी का मामला है वो जाने। वही आपको बता दें कि इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस एक शैडो कैबिनेट बनाकर सरकार को और शिवराज सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। शैडो कैबिनेट के पूरे मुद्दे पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी शैडो कैबिनेट बनाकर मीटिंग ही कर सकते हैं, आप उनसे दौरे की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसे वो पहले भी बना चुके हैं, पहले भी कह चुके हैं विधानसभा की शैडो की तरह काम करे, बैठक ही बुला सकते हैं, वो आपके दौरे करने की उम्मीद कर रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस ने भले ही प्रदेशव्यापी आंदोलन किया हो महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कमलनाथ पर, उनकी सक्रियता पर सवाल उठा दिए हैं। और जिस तरीके से हमने देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, कमलनाथ अपने घर से बाहर आए थे, उनके घर के बाहर ही धरना प्रदर्शन था, वे घर के बाहर आए थे, उन्होंने सिलेंडर पर, गैस सिलेंडर पर फूलों का हार चढ़ाया था और कुछ मिनटों का भाषण देकर वो वापस अपने घर को लौट गए थे। इसके बाद से लगातार बीजेपी और नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस को और कमलनाथ को घेर रहे हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ।